तो इस चिलचिलाती गर्मी वाली धूप में हमारे हाथ पे ये चिल्ड और टेस्टी कोल्ड कॉफी का ग्लास अगर मिल जाए तो डैम श्योर आप इसके दीवाने हो जाएंगे। और मैं कहूँ ये 2 मिनट में घर पे रेडी हो जाए, यस। तो चलिए आपसे शेयर करते हैं आज। सो हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन हियर बी विद बीनू। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने क्या किया, हमने ले ली 3 चम्मच चीनी पे 1 चम्मच कॉफी। अभी मैंने ये ज़्यादा लिया हुआ है क्योंकि जब भी मैं ये पाउडर बनाती हूँ ना तो मैं एक साथ 2-3 टाइम का बना के रख लेती हूँ। तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग बना सकते हैं, बट बढ़िया सी 2 ग्लास के लिए 3 चम्मच चीनी और 1 स्पून का हम लेते हैं कॉफ़ी, तो ये सफिशियंट रहता है। तो इसको फेंटने की बजाय आप हम अगर मिक्सी में पीस लेते हैं तो टाइम बच जाता है और पेस्ट वैसा ही बनता है, तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। तो ये देखिए बढ़िया सा पाउडर हमने रेडी कर लिया इसका। अब मैं इसको ना बोल पे खाली कर लूंगी, जितना मुझे जरूरत है उतना यूज कर लूंगी, उसके बाद ये दोबारा भी मेरे काम आ जाएगा। पिसना तो है, साथ में पिस जाएगा। अब उसी पे जितना मुझे रिक्वायर्ड है उतना पाउडर मैंने बचा लिया और इसमें हमने डाल दी 7-8 आइस क्यूब। इसको भी हम ग्राइंड कर लेते हैं बढ़िया से और इसका भी बना लेंगे फाइन पेस्ट बढ़िया से, ताकि एकदम चिल्ड वाला फ्लेवर हमको मिल जाए। तो ये देखिए बन गया आइस का पाउडर। तो इस पाउडर पे अब हम क्या करेंगे, इसको हम पहले कप पे कर लेते हैं खाली और इस पे हम फिर ऐड कर लेंगे थोड़ा सा, आप चाहें तो हल्का गर्म पानी यूज़ कर सकते हैं, जल्दी ये जो है फॉर्म इसका जल्दी निकलेगा। तो मैंने अभी यहाँ पर नॉर्मल वाटर ही यूज़ किया है और थोड़ा पाउडर मैंने इसमें और ऐड कर लिया और इसको हम तेज़ी से घुमाएंगे बढ़िया से, इसको हाथ से फेंट लेंगे और फेंटने के बाद बढ़िया सी ना फॉर्म बन के रेडी हो जाती है। ये देखिए बढ़िया से फेंट करके ये फाइन साइज का फॉर्म रेडी हो गया है। अब ये रेडी होने के बाद हम इसके बाद रेडी कर लेते हैं ग्लास को। बस बन गई कॉफ़ी हमारी इतने में। अब ये शेक वाले ग्लासेस को मैं अच्छे से सर्विंग के लिए कर ले रही हूँ रेडी। तो ये हर्शीज़ का चॉकलेट सिरप मैं बच्चों के लिए ला के रखती हूँ, कभी कभी इनको मिल्क पे या फिर ब्रेड पे मैं लगा के देती हूँ, तो ये मृदुल को ना बहुत अच्छा लगता है ऐसे, तो मैं उसको ऐसे करके देती हूँ। तो अच्छे से हम ग्लास को, आप चाहें तो इसमें बढ़िया से कुछ शेप डाल सकते हैं, बट 2 मिनट में मैंने कहा है तो हम शेप तो नहीं बनाने बैठेंगे एंड आई एम नॉट एक्सपर्ट। तो मैंने सिंपली इसको हल्का सा मूव कर दिया और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे जो हमने ये पेस्ट रेडी किया था फॉर्म वाला पेस्ट। 2-2 चम्मच में सारे ग्लासेस में ये डाल दे रही हूँ और 2-2 चम्मच 4 ग्लासेस पे, आजकल हम 4 हैं, दादा दादी गए हैं छुट्टी पे, तो ये देखिए ये 4 ग्लासों पे डाल के हो गया रेडी। अब इस पे हम बढ़िया से डालेंगे ठंडा ठंडा सा दूध। तो फ्रिज पे ही रहता है मिल्क, तो हमने बढ़िया से निकाला और बढ़िया से, और ये हाइट से मैं इसलिए डाल रही हूँ कि इस पे ना बढ़िया सा फॉर्म उठ जाता है ऊपर। आप इसको काफ़ी हाइट से डालेंगे तो एक अच्छा सा फॉर्म ऊपर कलेक्ट हो जाएगा। तो ये हमने रेडी कर लिया है। उसके बाद इस पेस्ट को मैं हल्का सा 2-3 बार चम्मच से घुमा दूंगी, यानी थोड़ा सा हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे कि वो सारा तली पे इकट्ठा ना रह जाए। तो अच्छे से इसको मिला लिया। मिलाने के बाद अब हम इसमें क्या डालेंगे, आइस क्यूब, क्योंकि भैया हम कोल्ड कॉफ़ी बना रहे हैं तो चिल्ड वाला फ्लेवर आना चाहिए, तभी तो मज़ा आता है। तो इस पे हम डाल लेंगे बढ़िया सी आइस क्यूब और ये देखिए ब्यूटीफुल से ग्लास हमारे हो जाते हैं रेडी। तो 2-2 आइस क्यूब मैंने एडिशनली इस पे और डाल दी और ये बढ़िया सा कोल्ड कॉफ़ी का फ्लेवर रेडी हो जाएगा जब हम इसमें और भी अच्छे से ऐड कर देते हैं हर्शीज चॉकलेट सिरप। तो मैं इसमें स्माइलीज बना देती हूँ, लेकिन अभी मैंने जल्दी जल्दी पे ऐसे ही डाल दिया, तो ये भी अच्छा लग रहा है, आप बताना मुझे कैसा लग रहा है। तो ये हमारे कोल्ड कॉफ़ी के ग्लास बन के हो गए हैं रेडी और अब लेके चलते हैं हम बच्चों के पास। स्पेशली छोटे वाले को बहुत ज़्यादा तो पता नहीं है, लेकिन बड़े वाले को बहुत मज़ा आता है ऐसे, ही इज़ वेरी हैप्पी। तो ये रेडी हो गए हैं हमारे कोल्ड कॉफ़ी के ग्लास और चलते हैं मृदुल के पास। ये देखो कैसी हो रही है पियो, दोनों हाथ से पकड़ो, कैसी हो रही है, अच्छा, थैंक यू बोलो, थैंक यू, अच्छे से पकड़ना। तो आज है गर्मी बहुत, तो एंजॉय करेंगे कोल्ड कॉफी। कैसी है मन्नू और ये जोशी जी, थैंक यू, अमेजिंग। 200 रुपए का कप है, 200 रुपए का ग्लास घर में, 10 रुपए में। तो क्विकली विद इन 5 मिनट आप बना के रख लीजिए, पाउडर रेडी करके रख लीजिए, तैयार हो जाती है आपकी कोल्ड कॉफी। मिलते हैं दोबारा, तब तक के लिए बाय बाय।